बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। तो बच्चों जैसे कि आप देख रहे हैं, हम एक नए अध्याय के साथ आपके साथ हैं जिसका नाम है कार्बोधात्विकी, संकुल यौगिक। बच्चों मैंने लास्ट क्लास में आपको इसका एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने आपको बताया था कि हम किसी संकुल यौगिक को किस प्रकार पहचानेंगे। और बच्चों उस पूरी प्रोसेस में मैंने आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बताया था पोटेशियम हेक्साफेरोसाइनाइड का, जहां पर मैंने आपको बताया था के एक स्वतंत्र धातु था जबकि ब्रैकेट को हमने आयन मंडल, जहां पे डी ब्लॉक का कोई तत्व था उसको हमने केंद्रीय धातु आयन सीएमआई कहा था। केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हुए थे लिगेंड और जितने लिगेंड जुड़े हुए थे उसको हमने कहा था समन्वय संख्या। तो बच्चों इस तरह से हमने पूरा एक डिस्क्रिप्शन समझा था और मैंने आपको लिगेंड की डेफिनेशन दे दिया था। मैंने आपको बताया था बच्चों कि ऐसा अणु परमाणु आयन या यौगिक, ठीक है बच्चों, जिसके पास कम से कम एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और वो अपने उस एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को, ठीक है, किसी सीएमआई या केंद्रीय धातु आयन को दान कर सकता हो और उसके साथ जुड़कर उप सहसंयोजी बंध बना लेता हो, तो ऐसे अणु परमाणु आयन या यौगिक को हम लिगेंड की श्रेणी में रखेंगे, वो लिगेंड कहलाएगा। ठीक है बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूं लिगेंड के प्रकार। बच्चों मैंने जो आज टॉपिक लिया है आपके साथ वो है लिगेंड के प्रकार। बच्चों लिगेंड के प्रकारों में मैं आपको दो प्रकार के लिगेंड बताने वाला हूं। दो प्रकार के लिगेंड में जो सबसे पहला लिगेंड मैं आपके साथ रखने जा रहा हूं वो है आवेश के आधार पर लिगेंड। आवेश के आधार पर लिगेंड के प्रकार। और बच्चों दूसरा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है दाता परमाणु के आधार पर लिगेंड के प्रकार। तो बच्चों मुख्य रूप से हमारे पास ये दो प्रकार के लिगेंड होते हैं, आवेश के आधार पर और दाता परमाणु के आधार पर। बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि आवेश के आधार पर हमारे पास तीन प्रकार के, जबकि दाता परमाणु के आधार पर जो लिगेंड हैं ये हमारे पास चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये तीन प्रकार के जो लिगेंड आ रहा हूं आवेश के आधार पर, ठीक है, ध्यान दीजिए, आवेश के आधार पर लिगेंड के प्रकार। बच्चों मैंने इसके आपको तीन प्रकार बताए। इसके तीन प्रकार में सबसे पहला है धनात्मक लिगेंड, बच्चों दूसरा है ऋणात्मक लिगेंड और तीसरा है उदासीन लिगेंड। ये हमारे पास बच्चों तीन प्रकार के लिगेंड हैं आवेश के आधार पर। दूसरा है दाता परमाणु के आधार पर, तो बच्चों जल्दी से आपको दाता परमाणु के आधार पर भी लिगेंड के प्रकार बताऊंगा। दाता परमाणु के आधार पर लिगेंड के प्रकार। बच्चों इसके आधार पर मैंने आपको चार प्रकार के लिगेंड आपके सामने रखे। सबसे पहला इसमें जो लिगेंड है बच्चों वो है एक दंतुर लिगेंड, एक दंतुर। बच्चों दूसरा जो प्रकार है वो होता है द्वि दंतुर लिगेंड। बच्चों जो तीसरा प्रकार है वो है त्रिदंतुर लिगेंड और जो चौथा प्रकार है वो है बहुदंतुर लिगेंड। ये हमारे पास चार प्रकार के लिगेंड होते हैं बच्चों, ठीक है, एक दंतुर, द्विदंतुर, त्रिदंतुर, बहुदंतुर। मैं जल्दी से आपको इनके स्टेटमेंट को थोड़ा सा वेरीफाई कर देता हूं। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया धनात्मक लिगेंड के बारे में,
तो बच्चों ध्यान दीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए अगर धनात्मक शब्द को आपसे बोलूं कि आप साइलेंट कर लीजिए, तो सिर्फ लिगेंड है। तो लिगेंड का एक बेसिक स्टेटमेंट आपके सामने था कि ये एक तरह के अणु हैं, ये एक तरह के परमाणु हैं, या ये एक तरह के बच्चों आयन, या फिर ये एक तरह के यौगिक हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था जिनके पास कम से कम क्या होता है, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। इस एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ये क्या कर सकते हैं, ये दान कर सकते हैं। ठीक है, और ये दान करते हैं किसको, सीएमआई को, सेंटर मेटल आयन को। ठीक है, सीएमआई को दान कर सकते हैं, और फिर ये सीएमआई के साथ क्या कर सकते हैं बच्चों, ये उप सह संयोजक, ठीक है ना, बंध बना लेते हैं या बना सकते हैं। आ रही है बात समझ में? तो ये महत्वपूर्ण चीज थी, ये लिगेंड की एक बेसिक डेफिनेशन थी बच्चों। हमने ऐसे अणु परमाणु आयन या यौगिकों को लिगेंड की श्रेणी में रखा था जिनके पास कम से कम एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता था, और वो उसको दान करते थे, और अपने सीएमआई के साथ वो क्या करते थे, उपसहसंयोजी बंध बनाते थे। तो हमने उनको लिगेंड बोला। अब हम बात कर रहे हैं धनात्मक लिगेंड की। तो बच्चों धनात्मक लिगेंड में क्या होता है, मैं आपसे कह सकता हूं कि ऐसे लिगेंड जिनके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, उसमें दान करने की क्षमता हो, और वो अपने सीएमआई के साथ क्या कर सकता हो, उपसहसंयोजी बंध बना सकता हो। इसके अतिरिक्त उस पर क्या मौजूद हो बेटा, उस पर धनात्मक आवेश भी है ना, धनात्मक आवेश ही पाया जाता हो। यानी आपके पास एक ऐसे लिगेंड की आवश्यकता है आपको जिस पर धनात्मक आवेश भी विद्यमान हो, उसके केंद्रीय परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, वो उसको दान कर सकता हो, और वो अपने सीएमआई के साथ क्या कर सकता हो, उपसहसंयोजी बंध बना सकता हो। तो ऐसे लिगेंड को हम धनात्मक लिगेंड की श्रेणी में रखेंगे। धनात्मक लिगेंड के नाम की जो पहचान है बच्चों, है ना, धनात्मक जो भी लिगेंड होंगे, धनात्मक लिगेंड के नाम की जो पहचान होगी, तो बच्चों आप याद रखिए, आपको इन लिगेंड के नाम में उनके अंतिम में नियम शब्द सुनाई देगा। जैसे कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं, एक उदाहरण देखिए, हाइड्रोनियम। ठीक है, तो आप देख रहे हो अंत में आपको क्या सुनाई दे रहा है, नियम सुनाई दे रहा है। तो जब भी आपको नियम शब्द सुनाई दे नाम के अंत में, तो आप समझ जाइए वो लिगेंड कैसे होंगे, वो धनात्मक लिगेंड होंगे। ठीक है बच्चों, आपकी पाठ्यपुस्तक के अकॉर्डिंग बहुत सारे लिगेंड होते हैं, तो आप उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि जब हम आयुपिक नॉमेनक्लेचर में इनको यूटिलाइज करेंगे, जब हमको इनको लिखना होगा, तो उनके नाम हमको याद होने चाहिए। अगर आपको नाम याद नहीं होंगे तो फिर आप लिखोगे क्या, आपको लिखने में समस्या होगी। तो डेफिनेशन तो मैंने आपको दे दी, लेकिन अब आपको अपनी पाठ्यपुस्तक को इस्तेमाल करके आपको वो तालिका देखनी होगी कि किस लिगेंड को आप क्या नाम देते हैं और किस तरह से आप उसको याद कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे चल रहा हूं, थोड़ा सा जल्दी बात करूंगा। ऋणात्मक लिगेंड, बच्चों डेफिनेशन अब आप भलीभांति समझ चुके हैं लिगेंड की, तो सीधी सी बात है, जो ऋणात्मक लिगेंड होते हैं ये ऐसे लिगेंड जिन पर हमको क्या भी मिलेगा बच्चों, ऋणात्मक आवेश भी मिलेगा, जिन पर हमको ऋणात्मक आवेश भी मिलेगा। ठीक है, मतलब उन पर ऋणात्मक आवेश होगा, साथ में एकांकी इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, उनमें दान करने की क्षमता होगी, वो उसको दान कर सकेंगे अपने सीएमआई को। ठीक है ना, इसके अलावा वो क्या कर सकेंगे, उप सह संयोजक, है ना, उप सह संयोजी या उप सह संयोजक वो बंध क्या कर सकेंगे, बना सकते होंगे। तो ऐसे लिगेंड को हम ऋणात्मक लिगेंड की श्रेणी में रखेंगे। ऋणात्मक लिगेंड की जो पहचान है बेटा, उनका नाम है ना, इनकी जो पहचान है वो आपको बता रहा हूं, इनका नाम हमेशा किस पर समाप्त होगा, ओ पर समाप्त होगा। जैसे सीएल नेगेटिव, तो आप इसको बोलेंगे क्लोरो, तो आप देखेंगे कि जो नाम है वो ओ पे समाप्त हो रहा है। बी आर नेगेटिव, ठीक है, इसका नाम है ब्रोमो, तो आप अंत में देखेंगे बच्चों आपको ओ जो वर्ड है वो सुनाई देगा। तो इस तरह से इन लिगेंड की पहचान होगी। ठीक, आगे चलेंगे बच्चों, और इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं उदासीन लिगेंड।
उदासीन लिगेंड। तो बच्चों लिगेंड की परिभाषा आप जानते ही हैं, जब आपके पास कोई ऐसा लिगेंड हो, ध्यान दीजिए, बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं, ऐसा जब ऐसा लिगेंड हो जिस पर ना तो धनात्मक आवेश हो और ना तो ऋणात्मक आवेश हो, ठीक है। अब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही आवेश नहीं होंगे, तो ऐसे लिगेंड पर केवल क्या होगा बच्चों, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा। फिर वही चीज, ये इसको दान कर सकेंगे अपने सीएमआई को, ठीक है, और उनको दान करके ये उसके साथ क्या कर सकेंगे, उप सह संयोजी ये बंद बना सकेंगे, ठीक है ना। तो इनके कुछ उदाहरण में जैसे H2O, जैसे NH3, ठीक है, तो ये कुछ उदासीन लिगेंड है। समझ में आ गई मेरी बात बच्चों? जो उदासीन लिगेंड होते हैं इनके नाम को पहचानना थोड़ा सा कठिन काम होता है, क्योंकि इनके इनके जो साउंड होंगे वो हर लिगेंड के अलग अलग होंगे, इसलिए इनको विशेष तौर पर और पूरे ध्यान के साथ पूरे मन को केंद्रित करके आप याद करिएगा और बहुत अच्छे से समझ के रखिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो के साथ।